पाकिस्तान में वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों की जानब से सेहत की सहूलियत फराहम करने के लिए अरबों रुपयों का बजट रखा जाता है, मगर सेहत की सहूलियत फराहम करने में हमारी हुकूमत नाकाम होती है। पाकिस्तान खसूस सिंध में इंसानी जिंदगियों से खेलने का कारोबार उरूज पर है। अवाम को एक तरफ हुकूमत की जानब से सेहत की सहूलियत फराहम नहीं हो रही है तो दूसरी जानब इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों ने इंसानी जिंदगी को अपना कारोबार बना रखा है। सिंध के अक्सर अजला में इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। सिंध के अहम और कारोबारी शहर जिकमाबाद में गैर मियारी और गैर मुस्तनद लेबार्ट्रियों का क्याम तेजी से जारी है। शहर में गैर मियारी और गैर मुस्तनद लेबार्ट्रियों में गैर तजुर्बाकार लोग बैठकर खून का टेस्ट करने में मसरूफ हैं और अक्सर गलत रिपोर्ट जारी की जाती है। लेबार्ट्रियाँ कायम करके डॉक्टरों के जाली नाम लिखकर लेबार्ट्री चलाई जाती हैं। शहर में वाकया एक दर्जन से ज्यादा लेबार्ट्रियाँ जो कि गैर कानूनी तौर पर चलाई जाती हैं, जो कि इंसानी जिंदगियों से खेलने में मसरूफ हैं, मगर महकमा सेहत की जानब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिकमाबाद शहर में कैम लेबार्ट्री पर मौजूद आदमी से जब पूछा गया कि यहाँ टेस्ट कौन करता है तो उसने सरेआम कह दिया कि यहाँ मैं टेस्ट करता हूँ और ये टेस्ट करना मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। डिवाइस टेस्ट न उ बस अस कूँ बाकी तो अस केमिस्ट्री कह बिलाशक मशीन न कह भी अस भी ये समझो कि असिस्टेंट आये कम कह टेक्नीशियन आये टेक्नीशियन आये न डॉक्टर ना। मगर शायद इसको मुल्क के कानून का कुछ पता नहीं है कि कोई भी गैर मुस्तनद शख्स किसी का टेस्ट नहीं कर सकता है। इसका ये जवाब इस बात का सबूत है कि हमारे मुल्क में कानून तो मौजूद है मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से आज जिकमाबाद में कई गैर मुस्तनद लेबार्ट्रियाँ कायम हैं और वो चंद पैसों की वजह से इंसानी जिंदगियों से खेलने में मसरूफ हैं। शहर में कैम लेबार्ट्रियाँ जो कि गैर मियारी के साथ नॉन टेक्निकल स्टाफ की मौजूदगी की वजह से खतरनाक साबित हुई हैं। इस सिलसिले में जब लेबार्ट्री में मौजूद इंचार्ज से पूछा गया कि आप क्या डॉक्टर हैं तो उसका कहना था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर और कोई है। और जब डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह मालूम की गई तो वो बरहम हो गया और कहा कि हमसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता, और उसने खामोशी अख्तियार करते हुए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तू ऑफिसर न है असो, तू ऑफिसर न है असो, तू ऑफिसर न है असो, मैं जरूर न है तुक बुझाया, मैं जरूर न है तुक बुझाया, मैं जरूर न है तुक बुझाया। पीएमए सिंध के नायब सदर डॉक्टर एजी अंसारी ने भी इस बात की तस्दीक की कि शहर में गैर मियारी और गैर मुस्तनद लेबार्ट्रियाँ मौजूद हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कुछ ऐसी लैब्स भी लेबार्ट्रीज हैं जिनकी रिजल्ट सही नहीं है, जिसकी वजह से सही रिपोर्ट ना आने के सबब उनके मुजर असरात होते हैं, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोज जो करता है उस लैब की इन्वेस्टिगेशन पर करता है, लेकिन अगर लेबार्ट्री की सही इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलेगी तो नेचुरली बात है कि सही नमूने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसका इलाज सही नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी लेबार्ट्रीज हैं जहाँ जो अथोराइज हैं जो टेक्नीशियन है वो नहीं है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जिकमाबाद में गैर मियारी और इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अशद ज़रूरत है और इस किस्म की गैर मियारी और गैर मुस्तनद लेबार्ट्रियाँ चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके लोगों को मौत के मुंह से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ जुबेर अबड़ो, मेट्रो 1 जिकमाबाद।